हेलो फ्रेंड्स आई एम मधु शर्मा इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन नंबर एट ऑफ क्लास फाइव ई वी एस ऑन इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल लेसन का नाम है अ चीट फॉर मॉस्किटोज मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन इस लेसन में हम दो पॉइंट्स कवर करेंगे ब्लड टेस्ट फॉर मलेरिया काजेज़ सिम्टम्स प्रिवेंशन मलेरिया के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है तभी हम पहचान सकते हैं कि हमें मलेरिया हुआ है इसके लिए क्या क्या काज़ होते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं दूसरा टॉपिक है एनीमिया काज़ एंड क्योर एनीमिया से आ, हम कैसे बच सकते हैं क्या क्या उसके काज़ेज़ हैं और उसको कैसे क्योर कर सकते हैं तो ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर एट ट्रीट फॉर मॉस्किटोज रजत इज़ बैक एट द स्कूल टुडे रजत आज बहुत दिनों के बाद स्कूल आया ही हैड बीन एबसेंट फॉर मैनी डेज हाउ आर यू हाउ आर यू नाउ आस आरती आई एम ऑल राइट रजत रिप्लाई सॉफ्टली मैं ठीक हूँ रजत ने धीमी आवाज़ में कहा जसकीरत यू मस्ट हैव प्लेड अलॉट वाइल वर एट होम जब तुम घर में थे तो तुम बहुत खेले होगे, बहुत मज़ा आया होगा रजत ने कहा अरे कौन बुखार में खेलना चाहता है ऑन द टॉप और उसके बाद मुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी खानी पड़ी बिटर मेडिसिन खानी पड़ी आई इवन हैड ब्लड टेस्ट और मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ जसकीरत अ ब्लड टेस्ट वाई इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल जसकीरत ने पूछा ब्लड टेस्ट पर क्यों ये तो बहुत पेनफुल होगा बहुत दर्द हुआ होगा तुम्हें रजत एक्चुअली वैन द निडल प्रिकड माई फिंगर इट फेल्ट लाइक एन एंड बाइट एक्चुअली ज़्यादा दर्द नहीं हुआ ऐसा लगा जैसे किसी चीटी ने काट लिया हो जब वो निडल मेरे हाथ में लगाई दे टुक टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग उन्होंने दो तीन बूंद खून निकाला और उसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया दैट्स हाउ वी केम टू नो दैट आई हैड मलेरिया इसी से हमें पता चलता है कि हमें मलेरिया हो गया है नैन्सी बट यू गेट मलेरिया वेन अ मॉस्कीटो बाइट्स यू पर मलेरिया तो तुम्हें तब होगा जब तुम्हें कोई मच्छर काटेगा रजत येस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट हमें मच्छर तो बहुत सारे काटते रहते हैं लेकिन मलेरिया हुआ है या कोई और बीमारी हुई है ये तभी पता चलेगा जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे जसकीरत देर आर अ लॉट ऑफ मॉस्कीटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया मेरे घर में तो बहुत सारे मच्छर हैं लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ नैन्सी हु सेज़ दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया नैन्सी ने कहा ये किसने कहा कि हर मच्छर से मलेरिया होता है मलेरिया स्प्रेड ओनली बाय द डिजीज़ कैरिंग मॉस्किटो केवल उन्ही मच्छरों से मलेरिया होता है जिन में ये पैरासाइट होते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग प्रोटोजोआ में आ, मच्छर के अंदर होते हैं बॉडी में और जब वो हमें काटता है जब वो हमारे बॉडी में छेद करता है किस लिए खून पीने के लिए उसका खाना ही ब्लड होता है वो और कुछ नहीं खा सकता तो जब वो ब्लड चूसने के लिए हमारी बॉडी में छेद करता है तो उसकी बॉडी में उसके माउथ में जो जो ये पैरासाइट होते हैं वो हमारी ब्लड में घुस जाते हैं और हमें तेज फीवर आ जाता है अब हम देखते हैं कि मलेरिया किससे होता है अभी हमने पढ़ा कि सभी मच्छरों से नहीं होता है तो किससे होता है मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो ये एक टाइप है आ, इसी से मलेरिया फैलता है अगर कोई दूसरा मच्छर हमें काटता है तो हमें मलेरिया नहीं होता देखो यहाँ पर एक क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट है ये रिपोर्ट है जब रजत ने आ, अपने ब्लड टेस्ट में देखा कि मुझे मलेरिया है तो उसकी ये रिपोर्ट उसको मिली पैथोलॉजी लैब से नेम दिया, दिया हुआ यहाँ पर रजत एज दी हुई अलेवन ईयर मेल और डायग्नोसिस यानी पहचान हुई बीमारी की कैसे फीवर विथ चिल एंड रिकर ठंड लगकर कपकपी के साथ मतलब ऐसे लग रहा था कांप रहा था वो ठंड के मारे तो कपकपी के साथ बुखार चढ़ा और मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन द ब्लड सैंपल मलेरिया के पैरासाइट मिले ब्लड में दिखाई दिए कैसे दिखाई दिए हम ब्लड को वैसे देखते हैं तो हमें रेड कलर का दिखता है लिक्विड होता है तो उसके अंदर हमें कैसे दिखाई देता है हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं माइक्रोस्कोप एक मशीन होती है जब हम ब्लड की एक ड्रॉप को माइक्रोस्कोप में नीचे रखते हैं और ऊपर से लेंस से देखते हैं तो हमें उसके अंदर जो जो चीज़ें ब्लड के अंदर भरी हुई हैं वो सभी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं वाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल ये आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में तो उसके अंदर ही ये मलेरिया के छोटे छोटे पैरासाइट दिखाई दे जाते हैं इससे पता चलता है कि हाँ इस बच्चे को या इस, इस पर्सन को मलेरिया हो गया है अब यहाँ पर एक प्लांट है ये है सिंकोना सिंकोना इज़ यूज एज अ मेडिसिन फॉर मलेरिया मलेरिया को दूर करने के लिए हटाने के लिए उसके पैरासाइट को मारने के लिए सिंकोना का इस्तेमाल किया जाता है सिंकोना एक प्लांट है यहाँ पे उसकी फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है ये उसके फ्लावर्स भी दिख रहे हैं और यहाँ पे नीचे सिंकोना बार्क है बार्क क्या होता है जो पेड़ की छाल होती है जो पेड़ का छिलका होता है स्टैम का उसको हम बार्क कहते हैं इस बार्क से ही मेडिसिन बनाई जाती है मलेरिया के लिए तो सिंकोना इज़ यूज एज अ मेडिसिन फॉर मलेरिया अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उसके पहले आप एक का, एक काम करो सारे बच्चे लाइक का बटन है उसे टैप कर दो ठीक है चलो नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो ये देखो ये आया लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में फोर पार्ट्स होते हैं सबसे पहले ये एडल्ट है ये एडल्ट मॉस्किटो है एडल्ट मॉस्किटो को जब अंडे देना होता है तो वो पानी में जाता है ये एग्स हैं ये पानी में जाता है अंडे दिए सेंटर में भी आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें देखते जाओ फिर वहाँ से एग के अंदर से एग जब टूटते हैं उसके अंदर से निकलता है लार्वा लार्वा एक लंबा सा कैटरपिलर टाइप का दिखाई दे रहा है और फिर वो लार्वा कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में प्यूपा क्या है ये लार्वा ही राउंड हो जाता है और मोटा हो जाता है और प्यूपा बन जाता है प्यूपा कुछ दिनों तक पानी में पड़ा रहता है और कुछ दिनों के बाद ये प्यूपा फटता है बस्ट होता है और उसमें से एडल्ट मॉस्किटो निकल कर हवा में उड़ने लगता है मच्छर ज़्यादातर हवा में ही रहता है लेकिन जब उसको अंडे देना है तो वो पानी में जाता है और ये आप सेंटर में भी डायग्राम एक देख रहे हो ये वाटर डायग्राम है और जो बाहर आउटर डायग्राम है वो आप कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो तो वो आपके लिए लाइन डायग्राम है और सेंटर में आप देखो यहाँ पे आपको मॉस्किटो एग पानी में लार्वा पानी में प्यूपा भी पानी में रहता है और फिर जब वो फटता है उसमें से मॉस्किटो एडल्ट उड़ने लगता है तो ये आपको लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो समझ में आ गया होगा अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एनीमिया डेफिशेंसी ऑफ आयरन एंड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड कॉजेज एनीमिया ब्लड में जब आयरन की कमी हो जाती है और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तब उसे एनीमिया कहते हैं इट कैन बी चेक बाय ब्लड टेस्ट इसे ब्लड टेस्ट से ही पता किया जाता है जैसे मलेरिया हमने ब्लड टेस्ट से पता किया था उसी तरह से हमें एनीमिया हुआ है कि नहीं हुआ है हम ब्लड टेस्ट से ही पता कर सकते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एनीमिया क्या क्या नुकसान होता है एनीमिया होने पर क्या क्या हमें हार्म uh, होता है इसका एनर्जी लेवल इज़ लो सबसे पहले अनर्जी बिल्कुल नहीं रहती बॉडी में हर समय थकान सी फील होती रहती है कोई काम करने का मन नहीं करता सेकेंड पॉइंट है अफेक्ट्स फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती और दिमाग भी ठीक तरह से डेवलप नहीं होता है अगर लगातार एनीमिया बना रहता है तो बॉडी की ग्रोथ ठीक से नहीं होती है दिमाग कमज़ोर रहता है पढ़ाई में मन नहीं लगता जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो लेसन ठीक से याद नहीं होता और अगर याद भी हो जाता है थोड़ी देर के लिए तो वो जल्दी ही भूल जाते हैं तो इसको कहते हैं एनीमिया। एनीमिया में हमें पता करना है हमें एनीमिया है या नहीं है है ना तो हम क्या करेंगे ब्लड टेस्ट करेंगे यहाँ देखो एक और रिपोर्ट है क्लिनिकल रिपोर्ट है जो एनीमिया के लिए की गई है क्लिनिकल रिपोर्ट पैथोलॉजी रिपोर्ट किसकी है ये आरती नेम आरती एज ट्वेल्व ईयर्स फीमेल डायग्नोसिस क्या हुआ पहचान क्या हुई एनीमिया कैसे कैसे पता लगा नीचे देखो हीमोग्लो हीमोग्लोबिन हीमो एट ग्राम्स है जबकि नॉर्मल रेंज है ट्वेल्व ट्वेल टू सिक्सटीन ग्राम्स ट्वेल्व टू तो सिक्सटीन ग्राम्स हीमोग्लोबिन होना चाहिए ब्लड में लेकिन आरती का केवल एट ग्राम है इस वजह से इस रिपोर्ट में पहचान हुई कि उसको एनीमिया की बीमारी हो गई है यहाँ पे देखो आपको हार्ट का डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें ब्लड भरा होता है और ये पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है हार्ट है और ये लेफ्ट साइड में आपको रेड ब्लड सेल दिख रहे हैं ब्लड के अंदर जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये रेड ब्लड सेल्स से। हैं तो एनीमिया की पहचान हो गई अब एनीमिया को ठीक करने के लिए क्या किया जाए कैसे उससे बचा जाए तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है सोर्सेज ऑफ आयरन वी शुड ईट फूड रिच इन आयरन सचेज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स चगेरी आमला बीट रूट एप्पल एट्सट्रा ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए यदि हमें एनीमिया हो गया है और हमें ऐसी डाइट लेनी है जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है जैसे आपको यहाँ दिख रहा है डायग्राम में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ये ग्रीन वेजिटेबल है एप्पल है ये बीट रूट है चुकंदर है और सबसे बड़ी है ये जगेरी जगेरी मींस गुड़ जिसे हम हिंदी में गुड़ कहते हैं उसको इंग्लिश में जगेरी कहते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है जब भी मीठा खाने का मन करे चॉकलेट या दूसरी मिठाई खाने के बजाय एक टुकड़ा गुड़ ले लो और खा लो बहुत हेल्दी रहेगा सभी के लिए बच्चे भी और बड़े भी सभी खा सकते हैं अब ये जो हमें डाइट है ये हमें डेली लेनी चाहिए एनीमिया हुआ है तभी नहीं एनीमिया नहीं भी हुआ है नॉर्मल हमें अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें इस टाइप की चीज़ें जिसमें आयरन होता है वो हमें इंक्लूड करनी ही चाहिए अब हमें हम आपको एक पोस्टर दिखा रहे हैं आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज़ क्या आप मॉस्किटोज़ को अपने घर में इन्वाइट करना चाहेंगे नहीं वेयर सावधान हो जाओ क्योंकि दे स्प्रेड मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया मच्छरों से केवल मलेरिया ही नहीं होता डेंगू और चिकनगुनिया भी हो जाता है डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस अपने घर के चारों तरफ पानी इकट्ठा मत होने दो फिल अप द पिट जितने भी पेट्स हैं उनको गड्ढे हैं पेट्स मीन्स गड्ढे कहीं पे कहीं खुदा हुआ है नाली है या छोटा सा गड्ढा है तो मिट्टी आसपास की मिट्टी उसमें भर दो और पानी को ढक दो कीप वाटर पॉट्स कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन जितने भी आपके घर में गमले हैं कूलर हैं टैंक्स हैं पानी की टंकियाँ हैं उनको हर हफ्ते सुखा देना चाहिए और फिर दोबारा भरना चाहिए यूज़ मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योर अगर आपके घर में ज़्यादा ही मच्छर हैं और वो बार बार घर के अंदर आ जाते हैं और आप सो भी नहीं पाते हो तो मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए मच्छरदानी ठीक है मॉस्किटो नेट स्प्रे कैरोसिन इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेसेस अगर आपके घर के आसपास कुछ ऐसा एरिया है जहाँ बहुत बड़ा गड्ढा है या आ, कुछ गहरा गड्ढा है जिसको आप भर नहीं सकते इसमें इतनी सारी मिट्टी नहीं भर सकते तो आपको क्या करना चाहिए थोड़ा सा आधा कप या एक ढक्कन भर के मिट्टी का तेल लेके जाओ और उसमें गिरा दो गड्ढे में डाल दो से क्या होगा जो केरोसिन जो ऑयल होता है वो हमेशा हल्का होता है और पानी के ऊपर एक लेयर बना के फैल जाता है और ये मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल जब एक लेयर बना लेगा तो मच्छर उड़ता हुआ आएगा अंडे देने के लिए तो वो उसमें नहीं बैठेगा क्योंकि वो केरोसिन की स्मेल में नहीं उसको पसंद नहीं है वो उस तरफ जाता नहीं है और उसकी वजह से और बांध लो अगर उसके अंदर अंडे दे भी रखे हैं उसने पहले से तो केरोसिन की वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी और जो उसका लार्वा है वो मर जाएगा ठीक है तो केरोसिन ऑयल या कोई और ऑयल अगर केरोसिन नहीं है तो आप सरसों का तेल या कोई भी तेल आप पानी में डाल दो एक पूरी लेयर बन जाएगी ऑयल की पानी के ऊपर पूरी एक शीट की तरह बन जाएगी और मच्छर पैदा नहीं होंगे ठीक है मेक योर ओन पोस्टर आप भी अपना एक पोस्टर बनाओ इसी तरह से और उसमें कुछ जैसे स्लोगन यहाँ लिखे हुए हैं सेंटेंसेस लिखे हैं उसी तरह से आप अपने कुछ सेंटेंस लिखो कुछ अलग टाइप के होने चाहिए चारों तरफ कुछ फ्लावर्स ड्रा कर सकते हो कोई कार्टून ड्रा कर सकते हो और इस तरह से आप पोस्टर बनाओ ठीक है तो फ्रेंड्स आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा और कमेंट करो लाइक करो और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी भेजो ताकि वो भी इसे एंजॉय करें तो हम नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे जल्दी ही मिलते हैं ओके okay. Bye bye.